बंगाल से बिहार को अलग करना। उन लोगों का नारा था, स्लोगन था, बिहार बिहारियों के लिए है, बंगालियों के लिए नहीं है। फिर भी बिहार में केवल बंगालियों को नौकरी मिलती है, बिहारियों को नौकरी नहीं मिलती है। इसलिए बिहार तभी फ्लोरिश करेगा जब बंगाल से बिहार अलग होगा। और सच्चिदानंद सिन्हा, ये उनके नेतृत्व में ये आंदोलन किया गया था। और उसी आंदोलन के फलस्वरूप संभवतः 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से बिहार अलग हो गया। उसी तर्ज पर बिहार से झारखंड को अलग किया गया है। लेकिन अब जब ये नारा हम लोग यहाँ के बोलते हैं, झारखंड झारखंडियों के लिए है, बिहारियों के लिए नहीं है, तो उन लोगों का पेट में दर्द होता है। जिस नारा के बलबूते उन लोग बंगाल से अलग हुआ, उसी तर्ज पर अभी हम लोग नारा लगाते हैं, उन लोगों को पेट में दर्द होता है। झारखंड झारखंडियों के लिए नहीं बना है। झारखंड बनने के बाद झारखंडियों को कोई फायदा नहीं हुआ, चाहे आदिवासी हो या ओबीसी हो, मूलवासी हो, उन लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। उन लोगों का शोषण अत्याचार हो रहा है। इसीलिए एक विद्वान का कहना है, झारखंड इज मिंट फॉर ABCD, नोट फॉर झारखंड इज, ए से आरा, बी से बलिया, सी से चपरा, डी से दरभंगा। इन लोगों के लिए झारखंड बना है, झारखंडियों के लिए नहीं। और सही में हम लोग देखते हैं, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्ति करना है, सब बाहरी लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्त कर देते हैं। जितने ठेकेदार हैं सब बाहर के हैं, ठेकेदारी में भी सब बाहरी लोगों को नियुक्त करते हैं, यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिलती। इसीलिए बहुत सारे विद्वान लिखते हैं कि आर्टिकल वगैरह लिखते हैं कि झारखंड में झारखंडियों के लिए डेवलपमेंट नहीं है, झारखंड में उन लोगों के लिए डेवलपमेंट डिस्ट्रक्शन है, विकास विनाश है। जमशेदपुर, पहले तो आदिवासी मूल बसी था, HEC, बोकारो और राउरकेला, वहाँ तो आदिवासी OBC था, अभी उन लोगों का चेहरा नज़र भी नहीं आता है। ये सब फैक्ट्री विकास के नाम पर बना। विकास तो यहाँ के लोगों के लिए नहीं हुआ, बाहरी लोगों के लिए विकास हुआ, यहाँ के लोगों के लिए डिस्ट्रक्शन हुआ, विनाश हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर का कहना है, जिस जगह विशेष के लिए विकास के नाम पर जो फंड आता है, वह फंड यदि वहाँ के लोगों के लिए खर्च ना किया जाए, बाहर से आए हुए लोगों के द्वारा खर्च हो, तो बाहर से आकर के जिन लोग विकास के नाम पर फंड खर्च करते हैं, उन लोग होंगे बिल्ली, और जिनके लिए खर्च किए जाएंगे वो होंगे चूहा। चूहा कभी बिल्ली कभी चूहा का रक्षक नहीं है, भक्षक है। जितने सारे लोग तो भक्षक ही आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ मैंने सब चीज़ लुटा जा रहा है। झारखंड के नाम पर, मूलवासियों के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर यहाँ हर चीज़ लुटा रहा है। सुवर्णरेखा प्रोजेक्ट अगर ये बनेगा तो 126 गांव जलमग्न होगा, पानी में डूब जाएगा। तो विकास नहीं, यहाँ के लोगों के विनाश के लिए हो रहा है ना। देखिए 25वीं अनुसूची जो यहाँ के लिए अलग से संविधान बना है, यहाँ जो भी योजना बनेगी शेड्यूल एरिया में रहने वाले लोगों के विकास के लिए, कल्याण के लिए बनेगा। यहाँ ये सुवर्णरेखा पर कल्याण विकास के लिए कहाँ हो रहा है, उन लोगों को पानी में डुबाने के लिए हो रहा है। हमको तो बहुत अंदर से गुस्सा लगता है, इधर से गुड्स ट्रेन में जितना आयरन और लाद के ले जाता है ना, देख के हमको गुस्सा लगता है। ये हम लोग की संपत्ति है, इससे हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन दूसरे लोग इससे धनाढ्य होते जा रहा है और हम लोग गरीब होते जा रहे हैं। उसका कर्तव्य भी हम लोग, हम बताएं ना, पहले तो यहाँ उत्तम खेती मध्यम बांध, नीच चक्री भीख निदान। और पहले पैसा वालों को यहाँ मान सम्मान नहीं मिलता था, संपन्न लोग खेती में जिन लोग संपन्न है वो कहीं भी जाता था उसको मान सम्मान मिलता था।